हरे गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर आपके पास। सो पिछले वाला हो गया सबका कंप्लीट? अच्छा जी, जो चैप्टर हमारे पास आ रहा है आज, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। द फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स जो आपके पास है, दो से तीन लेक्चर, वहां पे हम लोग अपने पास कंसेप्ट को सीखेंगे एंड दैट विल बी इंपॉर्टेंट। बट चैप्टर आपके पास आसान है अगर एक बार के लिए बस लॉजिक क्लियर हो जाए, और वो लॉजिक मोर और लेस हमारा आज और कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। सो इफ दैट इज कंप्लीट इट विल बी वेरी इजी। प्लस टू के अंदर वैसे आप अपने पास टॉपिक करके आते, बट हम अपने पास चैप्टर को बिल्कुल नए तरीके से अपने पास सीखेंगे एंड देयर विल बी सर्टेन थिंग्स जिनका आपको कहीं ना कहीं मतलब समझ आना बड़ा जरूरी है। इसके लिए एक गवर्निंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दैट इज AS नंबर बेटा 3। सो व्हेन वी विल डू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो उसके अंदर में हम AS 3 वहां पे नहीं करते। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके सिलेबस में आते हैं, AS 3 इज अ पार्ट ऑफ आपका सिलेबस, वो एक्चुअली पूरे का पूरा स्टैंडर्ड ही आपका चैप्टर है। सो हमारे पास बेसिकली जितने भी स्टैंडर्ड ओरिएंटेड भी क्वेश्चंस है वो इस वाले चैप्टर में ही कवर हो जाएंगे। जो कैश फ्लो आपके पास, जो AS 3 का नाम ही कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो अल्टीमेटली हमारे पास अलग से हमें फिर स्टैंडर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी की सारी चीजें आपकी इसी वाले के अंदर कवर हो जाएगी। तो अलग से जब हम स्टैंडर्ड करेंगे तो वहां पे AS 3 नहीं होगा। मैं वहां पे फर्स्ट डे जब हम इंट्रोडक्शन करेंगे तो बात जरूर करेंगे कि AS 3 आपका पार्ट ऑफ दिस सिलेबस में है, बट वो इस चैप्टर के थ्रू ही कवर हो जाएगा। चैप्टर आपके पास काफी आसान है, बट ऑब्वियसली थोड़ा टाइम जरूर लेता है, बिकॉज धीरे धीरे इसमें क्वेश्चंस काफी ज्यादा होते हैं, पेपर के अंदर भी चांसेस जो है चैप्टर के आने के बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। बट कहीं ना कहीं आपका स्कोरिंग रहता है वाला। सो जैसे मैंने कहा आपको गवर्निंग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा, AS नंबर 3। सो यहां पे एक्चुअली अगर आप देखेंगे, देयर आर 3 वर्ड्स, वन इज कैश, वन इज फ्लो एंड देन इज द स्टेटमेंट। हमने अपने पास तीनों चीजों को अलग अलग करके समझना है। बट आपके पास अगर हम बात करें कि ये चैप्टर का रेलिवेंस क्यों आया, बिकॉज अल्टीमेटली अगर हम इस नाम को अगर हमने पहले भी सुना है तो हम क्या बोलते हैं, कुछ एक स्टेटमेंट बनाएंगे हम यहाँ पे कुछ कैश फ्लोज को लेके, तो वो हमने समझ लिया बनाने कैसे। बट सबसे पहले बात आती है कि बनाने की नीड क्यों आई। सो ब्रीफ बैकग्राउंड जो वैसे सिर्फ अवेयरनेस पर्पज के लिए होनी चाहिए, ओनली इट विल टेक 2 मिनट्स। इन 1863 एक्चुअली आफ्टर द रिसेशन देयर वाज अ कंपनी डाउलाइज आयरन कंपनी। सो आफ्टर द रिसेशन दिस कंपनी एक्चुअली हैव अ ह्यूज लॉट ऑफ प्रॉफिट्स हुए थे उनको एक पर्टिकुलर ईयर में, एंड द मैनेजमेंट डिसाइडेड कि प्रॉफिट्स हुए तो लेट अस नाउ गिव डिविडेंड टू अवर शेयर होल्डर्स। तो उनको अपने पास क्या हुए, काफी ज्यादा प्रॉफिट्स हुए इन देयर P&L अकाउंट, और उन्होंने सोचा चलो अपने शेयर होल्डर्स को क्या देते, खुश करते और डिविडेंड देते। सो देयर कम अ प्रॉब्लम कि जब उन्होंने अपनी बैलेंस शीट देखी, मैनेजमेंट देखा, तो उनके पास कैश नहीं था, बिकॉज डिविडेंड देने के लिए हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए। सो फॉर गिविंग द डिविडेंड ऑब्वियसली देयर शुड बी 2 थिंग्स, प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, P&L के अंदर तो बैलेंस होना चाहिए, पर अल्टीमेटली कैश देना ना, सो यू शुड हैव द कैश ऑल्सो। सो द प्रॉब्लम वॉज कि वेन दे स्क्रूटनाइज देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उन्हें पता चला कि यार प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा कमाया, अच्छी बात है, बट अल्टीमेटली उनकी किताबों में कैश नहीं है। Their cash is actually blocked into so many things, mainly inventory and the other assets वगैरह में cash actually blocked पड़ा है, but P&L account अच्छा खासा क्या दिखा रहा है आपको, profit। So there comes a need कि वहां से आपके शुरुआती इस चीज को लेके कि भाई P&L में profit दिखा रहे हैं, but ultimately management is concerned, even the shareholders are concerned कि ultimately हमारा cash कहाँ कहाँ आया, कैसे कैसे आया business में और कैसे कैसे वो गया। So how it is coming, it is an inflow, and कैसे कैसे वो जा रहा है वो outflow है। तो उन्होंने कहा P&L अकाउंट सिर्फ प्रॉफिट्स को दिखा रहा है, वो accrual बेस पे बन रहा है, पर अल्टीमेटली हमें कैश के बारे में भी तो जानना है कि कैश कहां कहां से आ रहा है, कैश कहां कहां जा रहा है, जिसकी वजह से इनिशियली इट स्टार्टेड विद द कंपैरेटिव्स करके कुछ शुरू हुआ, फिर वो धीरे धीरे नाम चेंज हुआ, इट वॉज चेंज इनटू वो फंड फ्लो बनाना शुरू किया, बट फंड फ्लो में देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आपके पास आती थी, एंड इट इज नॉट एट ऑल अ मैंडेटरी, वो वैसे तो चैप्टर्स के अंदर भी कवर होता था, CA के सिलेबस के अंदर में भी कवर होता था, वो धीरे धीरे उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, रीजन क्योंकि उसकी मैंडेशन कहीं नहीं है। एंड फाइनली आपके पास जो रहा वो क्या रहा हमारे पास, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अभी दैट इज अ सेटल्ड आपके पास जो एक तरीके से रहता है कि बनाना कैसे है क्या वो बता रहा है, बट द ओरिजिन इज कि आपके पास बनाया क्यों जा रहा है, बिकॉज़ द P&L अकाउंट इज शोइंग योर प्रॉफिट्स कैलकुलेटेड एज पर द एक्रुअल बेसिस, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें अल्टीमेटली बताएगा कैश कहां कहां से आ रहा है और कैश कहां कहां जा रहा है। सो वो एक थोड़ा सा हमारे पास ये पता होना चाहिए कि नीड आपके पास क्यों आई थी, ठीक है ना। नाउ सबसे पहला वर्ड यहां पे आ रहा है जी हमारे पास कैश। So, यहां पे वो कहते हैं कैश इज नॉट ओनली कैश इन हैंड, कैश का मतलब कैश इन हैंड नहीं है, कैश के अंदर वो 3 चीजें लेता है, वन इज कैश ऑब्वियसली जो आपके पास लिया जाता है, देन सेकंड इज योर बैंक बैलेंस, दैट इज जो आपके पास बैंक में पड़ा है अदर देन दी ओवरड्राफ्ट, क्योंकि बैंक ओडी को वो अलग ट्रीट लेकर यहां पे, एंड द थर्ड वन इज
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे हम यहां पे नाम देते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सो हमारे पास यहां पे कैश का मतलब जो चैप्टर के अंदर लिया गया है उसे हम कैश नहीं बोलते, वैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। सो द कैश वाइडर टर्म इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर जो चीजें कवर करेंगे वो तीन चीजें कवर करेंगे, वन इज कैश इन हैंड कितना नगद है, वन इज बैंक में जो बैलेंस पड़ा है, एंड द थर्ड वन इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। नाउ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मैंने वर्ड जरूर लिखा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हमने इन्वेस्टमेंट चैप्टर में भी सीखा था, हम बोलते थे दो प्रकार की होती है, एक शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म करंट नॉन करंट, वहां पे हम पीरियड बोलते थे। शॉर्ट टर्म कब मानते थे, जब अप टू 12 मंथ्स तक की इंटेंशन है रखने की, उससे ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म है। पर यहां पे वो कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज और जो शॉर्ट टर्म है उसको हम बोलते हैं अप टू 3 मंथ्स। हम यहां पे बोलने जा रहे हैं कि जो 3 महीने तक आपके पास इन्वेस्टमेंट आप रखने जा रहे हो उसे बोलने जा रहे हैं, जिसे क्या नाम दे दिया हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सो अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट अपने पास 8 महीने के लिए करी वो वैसे शॉर्ट टर्म है, बट फॉर दी पर्पस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या वो आएगी, नहीं, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम सिर्फ कौन सी लेंगे, जिनका मैच्योरिटी पीरियड अप टू 3 मंथ। विचार हम बोलते हैं हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, हाईली लिक्विड मतलब जो बहुत जल्दी पैसे में इजीली कन्वर्ट हो जाएगी, लाइक कमर्शियल पेपर, आपका ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, अलग अलग नाम यहाँ पे दे रखे। सो द फर्स्ट थिंग अभी के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हम स्टेटमेंट तो मैं बाद में होगा, हमने सबसे पहले बात करी कैश का मतलब क्या, तो एक एक करके हम वर्ड को अपना पढ़ेंगे, पहले कैश, फिर कैश फ्लो, और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आऊंगा। सो कैश का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विच एक्चुअली इंक्लूड 3 थिंग्स, दैट इज कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिनका मैच्योरिटी पीरियड टू 3 मंथ्स है। सो यहां पर इन अवर चैप्टर मैं स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में बाद में आऊंगा, वो कहते हैं कैश का मतलब क्या है, कैश का मतलब है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, और एक आ गया कैश इक्विवेलेंट, और कैश इक्विवेलेंट में क्या रहे, वो शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश एंड जिसमें इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज होता है। सो यहां पर इसके में जब हम पढ़ते हैं तो वो किसको लेते हैं, विच हैज मैच्योरिटी ऑफ से 3 मंथ्स और लेस, जिनका मैच्योरिटी पीरियड 3 महीना उससे कम होता है, जो इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है, एग्जांपल्स के तौर पर ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल्स, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। नाउ हमारे पास सबसे पहले हमने एक चीज समझी कि कैश का मतलब क्या लिखा है, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश बैंक मार्केटेबल सिक्योरिटी। नाउ ये हमारे को जो चैप्टर है बेसिकली बताएगा कि इनका फ्लो कैसे हो रहा है, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का फ्लो का मतलब क्या है, कि ये तीनों चीजें बिजनेस के अंदर आई कैसे और ये तीनों चीजें बिजनेस में गई कैसे, दैट इज अ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो अगर हमारे पास लेट से हम बात करें कि डेटर से पैसा आया, डेटर हमें पैसा देंगे तो वो मेरा कैश इनफ्लो हो गया, अब चाहे उन्होंने मुझे कैश दिया चाहे उन्होंने मुझे चेक काट के दिया वो मेरे लिए इनफ्लो है, मैंने क्रेडिटर को पे किया तो वो मेरा कैश आउटफ्लो है, चाहे मैंने कैश में दिया चाहे मैंने चेक से पेमेंट करी, जैसे मर्जी करी। सो वो मेरे पास कहलाए जाएंगे इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बट कहते हैं देयर आर सर्टेन थिंग्स जिन्हें हम कैश फ्लोज नहीं मानेंगे, वो हो गया अगर आपकी जो मूवमेंट हो रही है वो इनके ही बीच में हो रही है, मतलब अगर लेट से आपने कैश बैंक में जमा कराया तो क्या, क्योंकि ये तीनों चीजों को उस पूरे चैप्टर में क्या देखा जाएगा, इकट्ठे में, इकट्ठे का मतलब है कि तीनों चीजें कैसे आई और ये तीनों चीजें कैसे गई हमारी स्टेटमेंट तो वो बताएगी। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि अगर इन तीनों के बीच में ही आपस में मूवमेंट हो रही है तो क्या वो कैश फ्लो में काउंट होगा, द आंसर इज नो, क्योंकि वो कहने जा रहे हैं इन तीनों को इकट्ठे में देखेंगे। सो इफ आई हैव डिपॉजिटेड द मनी इन बैंक, सो मेरे पास जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इनफ्लो आउटफ्लो में कंसिडर नहीं होगा। अगर मेरे को डेटर ने पैसे दिए, मैंने क्रेडिटर्स को पैसा दिया तो वो है, बट आपके पास अगर इनके बीच में मूवमेंट हो रही है वो कैश फ्लो में कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि वो आपके पास कोई चीज आया जा नहीं रही है, वो तो आपस में ही मूवमेंट चेंज हो रही है। इट इज जस्ट लाइक जैसे हम अपने पास डिपार्टमेंट के चैप्टर में बात करते थे, दो डिपार्टमेंट्स है, एक डिपार्टमेंट दूसरे को सेल दे रहा है तो एक की सेल है दूसरे की परचेज है, पर जब आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन देखते हो तो एक ने दूसरे को जब बेचा तो क्या ये तो ना बोलो कि सेल है और परचेज है, तो वो कैंसिल हो जाता है ना, जो इंटर ट्रांजेक्शन है वो क्या हो जाएगी, म्यूचुअल ट्रांजेक्शन कैंसिल होगी। सो दैट्स वाई सिमिलर तरीके से यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि जो आपस में कैश बैंक में गया या बैंक से कैश विड्रॉ किया या आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदी या मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेची, वो मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो आउटफ्लो में कंसिडर नहीं होगा, जो कि इनके बीच में मूवमेंट आ रही है। सो हमारे पास अगली एक चीज आ रही है यहां पे, ट्रांजेक्शन जो कैश फ्लो का पार्ट नहीं है, तो वो कहता है ट्रांजेक्शन जो मूवमेंट सिर्फ किसमें हो रही है, इन्हीं आइटम्स में हो रही है, वो कैश फ्लो नहीं है।
जो इनके बीच में, एग्जाम्पल के तौर पर कैश बैंक में जमा कराया, कैश बैंक से विड्रॉ कराया, या अपने परचेज सेल करी मार्केटेबल सिक्योरिटीज की। अगर मैं कहूं मैंने एक इन्वेस्टमेंट खरीदी जिसका मैच्योरिटी पीरियड 8 महीने है, तो वो क्या आपके पास कैश आउटफ्लो माना जाएगा? yes, हाँ जी वो यस या नो? यस। पर अगर उसका मैच्योरिटी पीरियड 2 महीने है तो वो नहीं है, क्योंकि वो आपस में ही आपके पास हो गया। अगर इन्हीं के बीच में मूवमेंट होगी जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है, तो वो कैश फ्लो का कंसिडरेशन में नहीं आएगा। तो कैश फ्लो आपके दो प्रकार के होगी, या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। इनफ्लो का मतलब पैसा कहां कहां से आ रहा है, आउटफ्लो का मतलब है कहां कहां जा रहा है। तो वो इनफ्लो में यही होगा जहां पर नेट इफेक्ट इंक्रीज है, और आउटफ्लो का मतलब यहां पे डिक्रीज हो रहा है, मतलब हमारी जेब से पैसा जा रहा है। सो अल्टीमेटली हमारे पास यहां पे जो आपका चीज आ रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट, अभी स्टेटमेंट वर्ड को हम समझेंगे, अभी तक मैंने सिर्फ कैश और कैश फ्लो को बताया। सो कैश मींस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फ्लो मींस आपका इधर इनफ्लो या इधर आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नाउ स्टेटमेंट वर्ड जो है वो यहां पे, जैसे हम अपने फाइनल अकाउंट्स का भी टॉपिक किया था, तो हमने बोला था पहले ना पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता था, अब उसे किसमें कन्वर्ट कर दिया? स्टेटमेंट में। भाई आपके पास इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट का बैलेंस शीट भी, पहले टी शेप होते थे, इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। सिमिलरली ये चैप्टर भी अल्टीमेटली प्राइमरली इज नथिंग बट अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट। और जो हमें अपने पास स्टार्टिंग से बनाना आता है, प्लस वन में भी कैश बुक बनाते हैं, हमने सिंगल एंट्री के चैप्टर में भी कैश बैंक अकाउंट इतनी बार बनाया अपने पास, वही है पूरे का पूरा चैप्टर। उस अकाउंट को ही मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया? स्टेटमेंट में। तो हमारे पास एक्चुअली में जो ये चैप्टर है, ये आपके पास सारी चीज बनी हुई है, वो आपके बना हुआ अकाउंट। दिस चैप्टर इज नथिंग बट कैश एंड बैंक अकाउंट, या मैं बोल दूं कैश इक्विवेलेंट अकाउंट, क्योंकि कैश एंड बैंक इज कैश, और कैश इक्विवेलेंट क्या हो गया? मार्केटेबल सिक्योरिटी। इस अकाउंट को पहले देख लेते, फिर मेरा अल्टीमेटली वो किसमें कन्वर्ट कर दूंगा मैं? स्टेटमेंट। देखो हर टी शेप को बाद में स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया, नोट्स में अभी देखने की जरूरत है, वो नोट्स में कहां लिखे मैं बता दूंगा, डोंट वरी। अभी पहले सिर्फ मेरे साथ यहां देखो, हाँ जी सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। सो अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा ये चैप्टर आपके पास क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट। पहले मैं अकाउंट सिखा रहा हूं, फिर इसी को मैं किसमें कन्वर्ट कर दूंगा? इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। तो मेरा जो कैश एंड बैंक कंबाइंड में अकाउंट बन रहा है, इट इज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंबाइंड में अकाउंट बन रहा है। सो मेरा जो ओपनिंग बैलेंस आता, अब ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये कैश का भी है, बैंक का भी है, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तीनों का जो ओपनिंग बैलेंस है, तो ये मैंने डाल दिया अपने पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी। अब मेरे पास डेबिट साइड क्या बताएगी, कहां कहां से ये तीनों चीजें आई, और क्रेडिट साइड क्या बताएगी, कहां कहां तीनों चीजें गई, दैट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो। पर इसके अंदर जो मैंने बैंक में पैसा जमा कराया, जो बैंक से निकाला, मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेची, वो इस अकाउंट में नहीं आएगी, क्योंकि मेरा अकाउंट तो कंबाइंड में बन रहा है। ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास पैसा कहां कहां से आ रहा है, तो अगर हम बात करें, या तो आपको डेटर से पैसा आ रहा होगा, बेटा डेटर से पैसा कौन है? डेटर, जिनको हमने उधार पे गुड बेचे, अब उन्होंने या कैश दिया या चेक दिया। फिर अगर मैंने नगद में गुड बेचे तो कैश सेल्स होगी। फिर मेरे को हो सकता है ट्रेड कमीशन एंड रॉयल्टी आपके पास आ रही है। देन आपने अगर फिक्स एसेट बेचे होंगे तो उसका पैसा आया होगा। फिर अगर आपने इन्वेस्टमेंट बेची है तो उसका पैसा आपके पास आया होगा। देन इट मे बी पॉसिबल जो आपने इन्वेस्टमेंट करी ऊपर क्या मिला होगा, इंटरेस्ट या डिविडेंड। अगर आपने किसी कंपनी के डिवेंचर बॉन्ड खरीदे तो इंटरेस्ट आ रहा होगा। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो डिविडेंड मिल रहा होगा। ठीक है ना। वो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आपके पास जो इनकम आ रही है। देन अगर मैं अपने पास क्रेडिट साइड में आउटफ्लो में जाऊं, आपने क्रेडिटर्स को पे किया, वो आउटफ्लो होगा। आपने परचेजेस करी नगद में, दैट इज कैश फ्लो। यही आपके पास बार बार चीजें से आपने सीखने को मिलेगा, दिस इज नथिंग बट मैंने कैश एंड बैंक अकाउंट ही बनाया। सो परचेजेस जो नगद में करी वो कैश पेमेंट में आ गया, बाय परचेज लिख देते हैं। अगर क्रेडिटर्स को क्या, जिनसे उधार में खरीदा, तो क्रेडिटर्स टू कैश एंड बैंक एंट्री हो जाती है। मैंने जितने भी बिजनेस के खर्चे पे करे बिजनेस को चलाने के लिए, विच कैन बी सैलरी, वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ऑफिस रेंट वगैरह, जो भी सारे खर्चे है, सेलिंग एक्सपेंसेस, वो जितना पे किया, क्या यहां पे मैं पीएनएल की बात कर रहा हूं कहीं भी? अभी नहीं, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है पीएनएल में कितना डाल रहा हूं। आई एम कंसर्न ओनली अबाउट दी कैश कितना जा रहा है, पेमेंट। ठीक है ना। जितना मैंने इनकम टैक्स सरकार को दिया वो भी आपकी जेब से पैसा जा रहा है, तो पेमेंट होगी। आपने अगर फिक्स एसेट्स खरीदे वो भी आपकी तरफ से क्या है, पेमेंट है, परचेज आपने जितने इन्वेस्टमेंट करी उसका आ गया। किसी को लोन और एडवांस दिया, किसी को हमने लोन एडवांस दिया है, वो मेरी जेब से पैसा जा रहा है, उसका जब पैसा आया होगा तो इनफ्लो हो गया। जब उसने मुझे, मैंने जो उसे पैसे दिए, उसने जब मुझे रिटर्न किया होगा तो मेरे पास पैसा वापस आ गया, तो इनफ्लो हो गया। देन ये साथ साथ आइटम चल जाएगी। मैंने लोन लिया, लोन आपने बैंक से लिया या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, तो आपके पास वो पैसा आया है।
जब इसकी रीपेमेंट करी होगी तो पैसा गया होगा, आपने डिबेंचर इश्यू करे तो पैसा आया, देन डिबेंचर होल्डर्स को जब पैसा दिया तो उसे क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब पैसा आ रहा है, मेरा डिबेंचर 100 का है, मैंने उनको जो इश्यू किया प्रीमियम पे किया और 110 रुपए, यहां अकाउंट में 110 आएगा कि 100 आएगा, 110। मैंने जब रिडीम किया उनको 100 के बदले 105 दिए तो कितना आएगा, 105। आई एम कंसर्न्ड ओनली अबाउट दी पेमेंट एंड आपके पास रिसीट कितना है, उनको मैं साथ में क्या दूंगा, ब्याज दूंगा। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से लोन दिया और वो मेरे जेब से पैसा जा रहा है। देन आपने पैसा और कहां से कैपिटल का आता है, या इक्विटी शेयर इशू करेंगे और तो इनका जो इशू करके पैसा है, द इशू कैन बी एट पार, द इशू कैन बी एट प्रीमियम, डिस्काउंट पे तो चलो शेयर्स नहीं हो सकते, डिबेंचर्स हो सकते। देन इनको जब पैसा वापस क्या होगा, इक्विटी शेयर में क्या यूज करते हैं, बायबैक, और प्रेफरेंस शेयर में रिडम्पशन, जितना पैसे दिया। और इन लोगों को इनकी कैपिटल की रिटर्न इनको क्या दी जाती है, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड भी दो हो सकते हैं, या इंटरिम या फाइन। ये सारे साल का कितना पैसा कहां कहां से आया, कितना पैसा कहां कहां गया, और अंत में क्या निकल के आ गया, क्लोजिंग बैलेंस। अंत में क्या बन गया, हमारा क्लोजिंग। सो ये मेरा क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट इन अ फॉर्म ऑफ कंबाइंड, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंबाइंड अकाउंट है। कहते हैं इस अकाउंट को ही हम अपना स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, और जब हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने जाते हैं तो इस अकाउंट को हम अपने पास तीन एक्टिविटीज में बांटते हैं। कोई भी जो बिजनेसमैन है अल्टीमेटली उसे तीन नजरिए देखने जरूरी है। सो हमने क्या किया, इस अकाउंट को कितने हिस्सों मार दिया, तीन हिस्सों मार दिया। वो कहता है जो तीन हिस्से आपके पास, द थ्री एक्टिविटीज आर नोन एज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। करा कुछ नहीं थी, सिर्फ जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अकाउंट है उसे इन तीन हिस्सों में बांटा गया। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जो आप मेन बिजनेस कर रहे हो, जो आपका मेन धंधा बेसिकली है, दैट इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसे हम सिंपली क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। जो भी आपके बिजनेस के दौरान में आपको इनफ्लोज हुए या आउटफ्लोज हुए, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब है कि जो आपने कोई फिक्स एसेट्स खरीदे या आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स अब प्राइमरीली वर्ड आप बोलते हो तो इन्वेस्टमेंट यू आर ओनली एसोसिएट विद अदर देन फिक्स एसेट्स। जब हम इन्वेस्टमेंट चैप्टर करते थे तो हम बोलते थे इन्वेस्टमेंट इज समथिंग विच इज अदर देन फिक्स एसेट एंड करंट एसेट, क्योंकि फिक्स एसेट पे तो डेप्शन वगैरह का अलग से आता है, इन्वेस्टमेंट वो जो अलग से इनकम कमा के देगी, शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स वगैरह या लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी वगैरह आपके सारी वो चीज आती थी, ठीक है ना। पर यहां पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या, फिक्स एसेट्स खरीदना और इन्वेस्टमेंट करना, दैट इज पूंजी। जो आप बिजनेस में पैसा इकट्ठा कर रहे हो उसे जो इन्वेस्ट कर रहे हो। अब या तो आपने नए कोई और फिक्स एसेट्स खरीदे या आपने कोई सरप्लस पैसा इन्वेस्ट कर दिया किसी कंपनी के शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स जो भी खरीद लिए, तो दैट इज नोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दैट इज एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। एंड हर एक्टिविटी के कुछ इन्फ्लोज होंगे आउटफ्लोज होंगे। अब बिजनेस की बात करूं, अगर ऑपरेटिंग की जो मेन मेरा धंधा है वो, उसमें क्या है इन्फ्लो आउटफ्लो, मेरे को डेटर से पैसा आया या मैंने क्रेडिटर्स को पे किया, वो मेरा ऑपरेटिंग है, वो मेरा बिजनेस के दौरान है। मैंने फिक्स एसेट्स खरीदे वो मेरा किसमें आ जाएगा, इन्वेस्टिंग, और फिक्स एसेट बेचे वो भी किसमें आ गया, इन्वेस्ट। उसके रिगार्ड में उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का इनफ्लो एंड आउटफ्लो, वो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी। और लास्ट आ गया आपके फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग मतलब बिजनेस में जो फंड्स की जरूरत है बेटा, वो मेनली दो जगहों से आ सकती है, या तो बिजनेस खुद क्रिएट कर रहा है, या आपको इमीडिएटली जब चाहिए होती है तो आप फंडिंग देते हो। अब फंडिंग हो गया या तो ओनर फंड्स या आउटसाइडर फंड्स, कि या तो आपने शेयर कैपिटल इशू करे, शेयर इशू करे, या आपने लोन लिया डिवेंचर इशू करे, और इसके रिस्पेक्ट में इनकी पेमेंट करना या उनके ऊपर ब्याज देना या डिविडेंड देना, तो वो किस एक्टिविटी में आ गया, फाइनेंसिंग। हाउ द बिजनेस इज फाइनेंस, जिसे आप अपने पास वैसे कई लैंग्वेजेस में कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड भी अपने पास क्या बोलते हैं, दैट इज डेट प्लस इक्विटी करके हम बात कर लेते ना, तो वो चीज आ गई कि एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल एंड बोरिंग, कि जो आपके साइज और कंपोजिशन को चेंज करे किसकी, कैपिटल को और बोरिंग को। क्योंकि अल्टीमेटली वो कहता है कि हमने इस तीन एक्टिविटीज में ही क्यों बांटा, Why not कि हमने ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग इकट्ठे कर दिया, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग इकट्ठे कर दिया। और स्मॉल हम अगर बात करें, देयर इज अ पर्सन जो सैलरी अपने पास, सैलरीड एम्प्लॉई है, उसको जो सैलरी मिल रही है वो उसकी कौन सी होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसने उससे गाड़ी खरीदी, अपने पास घर खरीदा, वो हो गया उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया उसने। देन कोई भी एक पर्सन है वो अपने पास यही चीज जानना चाहता है कि उसका पैसा जो मेन जो काम कर रहा है उसने कितना जनरेट करके दिया, उसने उस पैसे से बेसिकली कितनी पूंजी इकट्ठी करी,
और लास्ट है कि उस पूंजी को इकट्ठा करने के लिए हो सकता है कि उसने कहीं से बाहर से पैसा उठाए भी, उसने बैंक से लोन लिया, ठीक है ना, तो वो आपके पास क्या हो गया, फाइनेंसिंग। सो एनी हाउ द बिजनेस को भी उन्होंने इसी तरीके से एक्टिविटीज को तीन हिस्से में मान दिया, दैट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। नाउ हमारे अगली चीज इसमें क्या आई, वो कहते हैं इस अकाउंट को, ये चैप्टर अल्टीमेटली यही है बस, इस अकाउंट को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया और उसी से हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाएगी। अकाउंट को ही हमने अपने पास कितने हिस्सों मान दिया, तीन हिस्सों में, दैट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। कहते हैं हमारे पास इसमें से ऑपरेटिंग कौन कौन सी है, जो बिजनेस ओरिएंटेड है, लाइक आपके पास डेटर से जो पैसा है वो क्या हो गया, ऑपरेटिंग, सेल्स नगद करी तो ऑपरेटिंग, और ट्रेड कमीशन है, रॉयल्टी है, ये आपके पास आगे बेटा ऑपरेटिंग इनफ्लो, ये क्या है, ऑपरेटिंग इनफ्लो। अभी सिर्फ चीजें समझेंगे मेरे साथ, आपके पास वो टेबल वगैरह सब बने हुए इधर नोट, तो ऑपरेटिंग इनफ्लो में क्या क्या है, कहां कहां से पैसा आ रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑपरेटिंग आउटफ्लोज क्या क्या हो गए, कि आपने क्रेडिटर्स को पे किया, आपने कैश में गुड्स खरीदे, आपने एक्सपेंसेस पे करे बिजनेस के रिलेटेड जितने भी है, और आपने लेट से इनकम टैक्स पे किया, क्योंकि इनकम टैक्स में मैं और भी चीजें बात करूंगा, जो बिजनेस के प्रॉफिट्स के ऊपर आपके पास आ रहा, तो ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग आउटफ्लो। जी ऑपरेटिंग में इन एंड आउट दोनों चल रहा होगा, इन एंड आउट दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा होगा, बिकॉज अगली एक्टिविटीज में थोड़ा सा समझने अभी शुरू हो जाएगा हमारे पास। इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग में क्या क्या बोला था, फिक्स एसेट्स खरीदे आपने, किसी कंपनी के शेयर डिबेंचर्स खरीदे, इन्वेस्टमेंट है, किसी को लोन एडवांस दिया, आपने पैसा जो पड़ा था उसको कहीं लगाया, जैसे मैंने बोला पूंजी इकट्ठी कर रहे हैं हम अपने पास, और इनके ऊपर या तो आपको जो इनकम जनरेट हो रही है, या इनको जो पैसा बेच के आया, जो इनको बेच के पैसा आपके पास आ रहा है वो इनफ्लो हो गया। तो इस केस में पहला ट्रिगरिंग पॉइंट है पैसे देना, इन्वेस्टिंग में पहला ट्रिगरिंग पॉइंट क्या, पैसे देना, तो ये इन्वेस्टिंग क्या हो गया, आउटफ्लो, कि आपके पास पैसा जा रहा है, कैसे, इन्वेस्टमेंट जो जो आप कर रहे हो, इट कैन बी इन्वेस्टिंग में क्या क्या होगा, फिक्स एसेट खरीदना, इन्वेस्टमेंट करनी, या किसी को लोन एडवांस दिया, और जब इन्होंने या तो इनके ऊपर इनकम जनरेट हुई, या इनको जब बेचा रिकवरी हुई, तो जो पैसा आया वो क्या हो गया, इन्वेस्टिंग इनफ्लो। तो आपके पास ये वाली सारी चीजें क्या होगी, इन्वेस्टिंग इनफ्लो, कि फिक्स एसेट्स के बेचने पे, इन्वेस्टमेंट के बेचने पे, जिसको लोन एडवांस दिया था जब उसने उसके पैसे वापस करे, या इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आपको क्या आ रही होगी, इनकम आ रही होगी, अगर डिबेंचर बॉन्ड्स होंगे तो इंटरेस्ट आया होगा, शेयर्स खरीदे होंगे तो डिविडेंड आया होगा, वो हो गया मेरा इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। अब जो आपने बिजनेस में फंडिंग डाली अदर देन दी, ऑब्वियसली जो बिजनेस ने कमा के दिया था ऑपरेटिंग का, आपको बाहर से ही पैसे की जरूरत पड़ी होगी, ऑब्वियसली स्टार्ट द बिजनेस आपने शेयर इशू करेंगे, अब इस केस में फाइनेंसिंग में पहले पैसा आया होगा, फाइनेंसिंग में पहले पैसा आया होगा, ट्रिगरिंग पॉइंट की मैं बात करूं, इन्वेस्टिंग में पहले पैसा दिया होगा ना, कहीं लगाया होगा, बाद में बेच के पैसा आया होगा, फाइनेंसिंग में पहले पैसा आया होगा, तो आपके पास या तो आपने लोन लिया, या डिबेंचर इशू करे, या शेयर इशू करे, ये क्या हो गया, फाइनेंसिंग इनफ्लो, कि जो बिजनेस में फंडिंग आ रही है उसके आपके कहां कहां से पैसे आ रहे हैं, या आपने लोन लिया है, या आपने डिबेंचर इशू किए, या आपने शेयर इशू किए, और यहां पे फेस वैल्यू देखने की कितना पैसा आया, कितना पैसा, हमें मतलब अल्टीमेटली कैश की फिगर से ही है कि पैसा कितना है, और अल्टीमेटली जब इनका पैसा वापिस किया, या इनको पैसा उठाया था, इनके ऊपर जो इनको मेरा ब्याज देना बनता है, या शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ता है, वो क्या हो गया, फाइनेंसिंग आउटफ्लो। इसी से रिलेटेड जो मैंने जब इनका नगद वापिस किया, प्रिंसिपल पोर्शन, तो क्या हो गया, लोन दिया, डिबेंचर होल्डर्स को पैसा दिया, इक्विटी होल्डर्स का बायबैक किया, प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन करी, वो तो हो गया प्रिंसिपल रिपेमेंट, और फिर मैंने शेयर होल्डर्स को क्या दिया होगा उस पैसे के ऊपर, डिविडेंड, बाहर से जो लोन उठाया, डिबेंचर लिया, उनके ऊपर क्या दिया होगा, इंटरेस्ट, तो वो क्या हो गया, फाइनेंसिंग आउटफ्लो। तो वो जो पैसा उठाया है उसके ऊपर जो जोन सी चीजें दी, तो दैट इज नोन एज फाइनेंसिंग आउटफ्लो। तो हमारे पास उन्होंने क्या किया, नाउ व्हाट यू डू, इसमें दो चीजें नहीं ली मैंने सारे अकाउंट से, एक ओपनिंग बैलेंस और एक क्लोजिंग बैलेंस, मैंने पूरे अकाउंट की जितनी चीजें उसे तीन हिस्सों में बांट दिया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। वो कहते हैं हर एक्टिविटी का इंक्रीज माइनस डिक्रीज कर दो, हर एक्टिविटी का इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, तो फिगर या प्लस होगी या माइनस होगी, बिकॉज अगर प्लस है तो यानी कि इनफ्लोज वर मोर देन द आउटफ्लोज, एंड अगर माइनस है तो आउटफ्लोज ज्यादा थे या इनफ्लोज कम थे की बात होगी। हर एक्टिविटी का अपने पास निकाल लो, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, नेट इफेक्ट होगा,
उसके अंदर जैसे आप ओपनिंग बैलेंस ऐड करोगे तो किसके बराबर पहुंच जाएगा क्लोजिंग के। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसी अकाउंट को बाद में किसमें कन्वर्ट कर दिया, स्टेटमेंट में, और स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते समय मैंने उसे कितनी एक्टिविटीज में बांट दिया, तीन एक्टिविटीज में बांट दिया, और वो ये तीन एक्टिविटीज है। बट सर्टेन अमाउंट पर छोटी छोटी चीजें, मैंने इनकम टैक्स पे किया तो मैंने क्या बोला, इनकम टैक्स कौन सा है हमारा ऑपरेटिंग। पर कहते हैं इनकम टैक्स ऐसा हो सकता है सरकार को जब देना पड़ता है अलग अलग और भी चीजों के ऊपर देना पड़ता है, लेट्स मैंने जो फिक्स एसेट बेचे उनके ऊपर इनकम टैक्स है, दैट इज कैपिटल गेन टैक्स ऑन द सेल ऑफ एसेट्स। तो क्योंकि अब फिक्स एसेट्स खरीदना और बेचना कौन सी एक्टिविटी था, इन्वेस्टिंग, तो उससे रिलेटेड जो टैक्स दिया वो मेरा इन्वेस्टिंग में ही आएगा। मतलब जिस एक्टिविटी के ऊपर सरकार को टैक्स देना पड़ रहा है वो टैक्स भी उसी एक्टिविटी में आएगा। या डिविडेंड के साथ क्या देना पड़ता है सरकार को, सीडीटी, तो डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग, तो सीडीटी पेड भी कौन सा हो जाएगा, फाइनेंसिंग, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली माय टैक्स जो है, अगर अकेला वर्ड इनकम टैक्स लिखा दैट इज ऑलवेज ऑपरेटिंग, अगर अकेला वर्ड इनकम टैक्स लिखा तो ऑलवेज क्या है, ऑपरेटिंग। बट इफ आई से कि आपने सीडीटी पे किया तो वो कौन सा हो गया, फाइनेंसिंग, क्योंकि सीडीटी पे किस पे होगा, सीडीटी पे किस पे होगा, डिविडेंड पे, एंड डिविडेंड खुद क्या है, फाइनेंसिंग है, तो सीडीटी पे भी फाइनेंसिंग होगा। मैंने कैपिटल गेन टैक्स पे किया ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स तो वो क्या हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, बिकॉज वो उससे रिलेटेड आ रहा है हमारे पास। नाउ लेट्स से हमारी कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो तो मैन्युफैक्चरिंग में है, तो उन्होंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स करी, उस इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट की इनकम आई, काम क्या कर रही थी, मैन्युफैक्चरिंग का, और इन्वेस्टमेंट्स करी, जो इन्वेस्टमेंट्स करी वो कौन सी एक्टिविटी होगी, इन्वेस्टिंग, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चाहे वो क्या, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चाहे वो क्या हो गया, इन्वेस्टिंग। बेटा फाइनेंसिंग तो वो है आपके पास जो आपने लोन उठाया कहीं से, आपने जो आपके पास इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन द इन्वेस्टमेंट, तभी समझेंगे वो एक्टिविटी पूरी इकट्ठे में है, जो उस एक्टिविटी में पैसा जा रहा है और वो जो पैसा ही आपको जनरेट करके दे रहा है इनकम, उस एक्टिविटी में ही आएगा। सिमिलरली आपने बैंक से लोन लिया और लोन की रीपेमेंट या उसका इंटरेस्ट देना वो एक ही एक्टिविटी में है फाइनेंसिंग, ठीक है ना, वो अलग में नहीं जा रहा। अब मेरे पास चीज आई कि मैंने, मेरा काम है इन्वेस्टमेंट करना, आई एम अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, हमारा काम ही क्या, लोगों को लोन देना, इन्वेस्टमेंट्स करना, तो ये तो मेरा बिजनेस ही हो गया ना। अब इस केस के अंदर जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो तो मेरी कौन सी इनकम, मेन इनकम है, वो कौन सी होगी, ऑपरेटिंग इनकम हो गई, ठीक है ना। मेरे को डिविडेंड मिला इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो भी क्या होगा, ऑपरेटिंग हो गई। सो अल्टीमेटली इफ आई टॉक अबाउट कि हमारे पास इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, अगर तो मैं नॉर्मल नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज हूं तो ये हमेशा कौन सी एक्टिविटी होगा, इन्वेस्टिंग होगा, क्योंकि मेरे पास मैंने सरप्लस पैसा लगाया कहीं पे, उसके ऊपर इंटरेस्ट आया तो इन्वेस्टिंग है। पर अगर मेरा काम ही है ये फाइनेंशियल एंटरप्राइज हूं तो फिर कौन सी होगी, ऑपरेटिंग, क्योंकि मेरा मेन बिजनेस ही क्या है, अपने पास इन्वेस्टमेंट करना। डिविडेंड पेड अगर मैं नॉर्मल एंटरप्राइज हूं तो कौन सी एक्टिविटी है, डिविडेंड पेड मैं नॉर्मल एंटरप्राइज हूं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, फाइनेंसिंग। पर अगर मैं फाइनेंशियल एंटरप्राइज हूं तो बेटा फाइनेंशियल एंटरप्राइज हूं तो भी फाइनेंसिंग है, क्योंकि डिविडेंड दिया किसको जाएगा, डिविडेंड दिया किसको जाएगा, टू दी शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर्स वाला तो ऑलवेज आपके पास किसमें आएगा, फाइनेंसिंग। डिविडेंड पेड तो हमेशा ही क्या है, फाइनेंसिंग। डिविडेंड जो मिलता है वो किसके ऊपर मिलता है, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, अगर आपका वो काम ही है तो ऑपरेटिंग है, अगर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करी है तो इन्वेस्टिंग है। पर डिविडेंड दिया तो हमेशा किसको जाता है, शेयर होल्डर को, तो वो हमेशा कौन सी एक्टिविटी होगा, फाइनेंसिंग होगा, वो हमेशा कौन सी होगा, फाइनेंसिंग होगा, इररिस्पेक्टिव कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या, बिकॉज डिविडेंड इज गिवन टू द शेयर होल्डर, तो इट विल ऑलवेज बी अ फाइनेंसिंग आपके पास जो एक्टिविटी आ रही है। ये बात यहां तक क्लियर है अभी। नाउ इसके बाद अभी हम इसको स्टेटमेंट में बात करते हैं। जैसे मैंने कहा हमने क्या करना है, हमने जो बात करी वो हम अपने पास करने जा रहे हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इनफ्लो और आउटफ्लो की एक स्टेटमेंट बनाएंगे। उस स्टेटमेंट के हमने बोला तीन हिस्से कर दिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो हमने कहा कि आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या, इट इज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द वेरियस सोर्सेज फ्रॉम वेयर द कैश वॉज जनरेटेड, दैट इज इनफ्लो ऑफ कैश बाय एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग द रेलिवेंट अकाउंटिंग ईयर एंड हाउ दिस इनफ्लोज वर यूटिलाइज्ड। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बता क्या रही है, देयर इज अ स्मॉल, जब आप कंपनी तक पढ़ते हैं तो स्मॉल वहां पे रिक्वायरमेंट है किसको बनाना किसको नहीं बनाना, तो वहां पे क्लियरली बात लिखी गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट टू 1% कंपनी, या अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज है, व्हेन यू स्टडी योर
कंपनीज है, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। इफ सच प्राइवेट कंपनी इज अ स्टार्टअप, अगर वो सिर्फ क्या है स्टार्टअप है, इन लोगों को कैश फ्लो बनाना कंपल्सरी नहीं है, इन लोगों को कैश फ्लो बनाना कंपल्सरी नहीं है। इट्स ओनली अ स्मॉल इंफॉर्मेशन विच वी शुड रिमेंबर एनीहाउ इन द अकाउंट्स पेपर टू कम अस। आपके इस चीज का लेके इनको बनाना जरूरी नहीं है, वो नहीं आएगा, हम आपको तो बनाने को आते हैं, दैट इज आपके पास लॉ पोर्टल चीज की किसको बनाने नहीं बनाना, बट ओनली फॉर दी अवेयरनेस हमारे को उन्होंने क्या बोला है कि आपके पास 1% स्मॉल डोरमेंट प्राइवेट, सिर्फ प्राइवेट कौन सी जो स्टार्टअप है इनको कैश फ्लो बनाना जरूरी नहीं। ये जो प्राइवेट स्टार्टअप, ये एक अमेंडमेंट आई थी एक दो साल पहले, इस वजह से हमें वो पता होना चाहिए कि वो आपके पास जो इनको बनाना जरूरी है। नाउ हाँ जी सर, हाँ जी कौन सी नहीं, नहीं आपके पास जो भी डिविडेंड दिया जा रहा है वो दिया किसको जाएगा, शेयर होल्डर्स को, और शेयर होल्डर्स से जो पैसा इकट्ठा करा जाता है वो कौन सी एक्टिविटी में आता है, वो हमेशा किसमें आएगा आपके पास, फाइनेंसिंग में। तो उसके ऊपर जो भी रिटर्न ऑन कैपिटल हुई ना, रिटर्न ऑन कैपिटल हुई तो हमेशा ही क्या होगा आपके पास, फाइनेंसिंग होगा हमेशा, डिविडेंड पेड ऑलवेज फाइनेंसिंग। तभी जिनको मिल रहा है हाँ उनके लिए, क्योंकि उनका काम ही यही है ना, जिनका काम वो तो इन्वेस्टिंग कंपनी आ गई ना, वो तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगी। तो मैंने यही बोला जिस कंपनियों का काम ही ये करना है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट ही करनी है, ठीक है ना, फाइनेंशियल कंपनी जितनी भी आ रही है उनको जो डिविडेंड मिल रहा होगा वो ऑपरेटिंग हो जाएगा ना, पर जो वो दे रहे हैं वो तो ऑलवेज क्या है, फाइनेंसिंग है। अच्छा हमारे पास जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रही है अल्टीमेटली उसके स्टेप्स हमारे पास क्या हो गए, हम क्या निकाल रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। मैं क्या करता हूं इन तीनों एक्टिविटीज का बेटा क्या करता हूं, नेट चेंज निकाल लेता हूं। नेट चेंज का मतलब है स्टेप 1+2+3, और फिर हमारे पास जो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा क्लोजिंग। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं, मैंने अभी आपके सामने वो अकाउंट बनाया, उस अकाउंट को हमने तीन हिस्सों में बांटा, तो हमारे पास कौन कौन सी एक्टिविटीज एक बार बताएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसी को एक बार हम अपने पास लिख रहे हैं, फिर यहां पे एक दो चीजें और डिस्कस करेंगे। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये कैसे आएगी निकल के, जितने भी ऑपरेटिंग के इनफ्लोज है माइनस जितने भी ऑपरेटिंग के आउटफ्लोज है, ऐसे ही मेरे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ रहा होगा, ये आ गया इन्वेस्टिंग के इनफ्लोज प्लस आउटफ्लो माइनस आउटफ्लो, और ऐसे ही लास्ट फाइनेंसिंग। ये क्या मैंने अपने पास जो पूरा अकाउंट था उसको तीन हिस्सों में तोड़ दिया, यस अल्टीमेटली दिन ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है जिसे बोलते हैं नेट चेंज, मैं इन तीनों को प्लस कर रहा है। फिर इसके अंदर जैसे मैं ऐड करता हूं ओपनिंग बैलेंस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, तो मैं ओपनिंग के अंदर जैसे ही ऐड करूंगा आई विल गेट क्लोजिंग। नाउ हमने जब अपने पास इनफ्लो माइनस आउटफ्लो निकाला होगा तो वैल्यू आ रही होगी कुछ ना कुछ, तो लेट से ये वैल्यू आई 4 लाख, ये वैल्यू आई 3 लाख, ये वैल्यू आई 2 लाख, और हमारे पास ओपनिंग में पड़ा था 1 लाख, तो मेरा क्लोजिंग में कितना हो गया, ये आपके बन गया 9 लाख, और ये बन गया टोटल में 10 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख मेरा। वो हर एक्टिविटी का जो 4, 3 और 2 आया वो कैसे आया होगा, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। नाउ टेल मी इज इट गुड फॉर द कंपनी और बैड, नहीं वैसे एक जनरल सिनेरियो में मतलब हमारे पास जो आ रहा है 4, 3, 2 पैसा हमारे पास पड़ा, अच्छा खासा पैसा पड़ा, इट इज गुड और इट इज बैड, पैसा आ रहा है वो करेंगे ना तो करेंगे, अच्छी बात है पैसा आपके पास आ रहा है। हाँ जी नहीं कौन सी एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग का 4 लाख प्लस है, इन्वेस्टिंग का 3 लाख प्लस है, फाइनेंसिंग का 2 लाख प्लस है, तो आपके पास टोटल में 10 लाख रुपए कैश ईयर एंड पे पड़ा है। सो क्या स्टेटमेंट ये हमारे को बता रहा है, अल्टीमेटली ऑपरेटिंग का प्लस का मतलब क्या, मतलब ऑपरेटिंग बिजनेस ने हमें कैश जनरेट करके दिया इन एक्सेस। फाइनेंसिंग का प्लस का मतलब क्या, हमने लोगों से लोन लिया, शेयर इशू करे, वैसे तो जब बिजनेस ही जनरेट करके दे रहा है तो इतने लोन्स की जरूरत नहीं है, चलो बीच में आपका जरूरत पड़ भी गई, बट इन्वेस्टिंग में तो कभी प्लस आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपका बिजनेस पैसा जनरेट करके दे रहा है और आपके पास आपने बाहर से भी पैसा उठा लिया तो फिर आपको एसेट बेचने की क्या जरूरत है, यू विल ऑब्वियसली गोइंग टू इन्वेस्ट, ऑब्वियसली गोइंग टू, सो ऑलवेज अ पॉजिटिव बैलेंस डज नॉट मीन की अच्छी बात है,
हमारे पास यहाँ पे जो इट इज नॉट अ गुड थिंग टू हैव अ पॉजिटिव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन नॉर्मल सिनेरियो इन नॉर्मल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आल्सो आपका ये वाली चीज हमेशा नेगेटिव देखने को मिलेगी. द रीजन इज आपका पैसा दो जगहों से नहीं आ रहा है, या तो बिजनेस कमा के दे रहा है या आपने बाहर से पैसा उठाया. अब ये जो उठाया पैसा और बिजनेस कमा के दे रहा है तो मुझे फिर एसेट बेचने की क्या जरूरत है, या इन्वेस्टमेंट बेच तो मैं और इन्वेस्टमेंट करूंगा ना. अल्टीमेटली मेरा पैसा आ रहा है दो जगहों से, ऑपरेटिंग से और फाइनेंसिंग से. इस पैसे को लगा रहा हूं मैं कहां पे, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, विच इज फिक्स्ड एसेट खरीद रहा हूं, या मैं और सरप्लस इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं. सो दैट इज वाई जो स्टेटमेंट है तभी वो तीन हिस्सों में बांटने की बात हो रही है. मनी के मेन सोर्सेज कहां से आ रहे, इधर फाइनेंसिंग या इधर ऑपरेटिंग आपको बिजनेस जनरेट करके दे रहे हैं. एंड इस पैसे को हम इन्वेस्ट करें. ये नहीं मैं कह रहा कि जरूरत नहीं पड़ सकती एसेट बेचने की, जरूरत पड़ सकती है, एसेट खराब हो गया किसी जरूरत का नहीं है. हमें इन्वेस्टमेंट जो है उनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा मिल रही है. बट इन ए नॉर्मल आइडियल सिनेरियो आई विल जनरेट द फंड फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एंड दी, या तो बाहर से लूंगा या बिजनेस जनरेट करके देगा, उस पैसे को क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा या अपने पास बचा के रखूंगा. इट डज नॉट मीन ना कि आप अपने पास इन्वेस्टमेंट भी बेच दो, दिस नॉट द आइडियल. बाकी तो देखो ऑब्वियसली बात है, इट विल ऑब्वियसली डिपेंड ऑन दी किस वजह से कंपनी ने क्या किया. बट एक अगर मैं जनरल आपके सामने बात कर रहा हूं, वैसे तो आपके सिलेबस में कहीं पे कमेंट वाली बात को लेके ही नहीं कि वो कमेंट की अपने पास इट इज गुड और इट इज बैड फॉर द कंपनी. वी आर जस्ट डिस्कसिंग अ नॉर्मल थिंग कि भाई क्या ये अच्छी बात है कि बुरी बात है आपका सबका प्लस आना. सो इन नॉर्मल सिनेरियो इन्वेस्टिंग का क्या होना चाहिए हमारा, नेगेटिव, क्योंकि देयर विल बी आउटफ्लो आपके पास होगा. ठीक है ना, ये वाली बात क्लियर हुआ था ना. जो मैंने आपके पास दिखाया था That is, जो अकाउंट दिखाया था वो बेटा अकाउंट यहाँ पे सेकंड पेज में वही चीज है. अल्टीमेटली यहाँ पे जितने भी इनफ्लोज और जितने भी आउटफ्लोज है वो सारे लिखे हुए. ये है टोटल, एक बार के लिए लेट अस गो थ्रू, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे. अभी जितना रिवाइज किया एक बार उसको करने जा रहे. तो एग्जाम्पल्स ऑफ कैश फ्लो दिए हुए, इधर इट विल बी इनफ्लोज आउटफ्लोज, और इसके अंदर सारे दे रखे हैं, चाहे ऑपरेटिंग है, चाहे इन्वेस्टिंग है, चाहे फाइनेंसिंग है. फिर इसके बाद मैंने बोला तीन एक्टिविटीज है, ये हमने बात की थी अपने पास, जस्ट एक बार नोट्स से जा रहे अपने पास. और इसमें सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी आई, ऑपरेटिंग. ऑपरेटिंग है प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, और इसके अंदर इसके इनफ्लो कौन कौन से थे, अब वो हिस्से बढ़ गए. अब वो पूरे जो टोटल दे रखे थे उसको हिस्सों में मान दिया. ऑपरेटिंग के कौन कौन से थे, कैश सेल, डेटर्स या ट्रेड कमीशन करा, पेमेंट क्या है, कैश परचेजेस, क्रेडिटर्स को पे करना, बिजनेस के खर्चे पे करना, मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया, इज इट ऑपरेटिंग आउटफ्लो और आपके पास कोई आउटफ्लो आएगा. इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया, ये कौन से खर्चे है, उसके अलावा, उसके अलावा ये ऑपरेटिंग खर्चे है, सैलरी वेजेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा, जो भी ये खर्चे दिखा रहा हूं ऑपरेटिंग वाले, ये इंटरेस्ट ऑन लोन भी मेरा एक्सपेंस है बट इट इज माय फाइनेंसिंग आउटफ्लो. यहां आ रहे हैं ऑपरेटिंग खर्चे, जो आपने फंड्स अपने पास इकट्ठे किए रहे थे उनके ऊपर जो ब्याज देना पड़ रहा है वो कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, वो तो फाइनेंसिंग में जाएगा ना. ये तो आपके पास कौन सा है, जो ऑपरेटिंग खर्चे. इनकम टैक्स पे क्या, ब्रैकेट में बस क्लियरली लिखा है रिलेटिंग टू ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब कि अगर फिक्स्ड एसेट्स को बेच के जो टैक्स देना पड़ा, फिक्स्ड एसेट्स के बेचने पे जो टैक्स देना पड़ा वो किसमें जाएगा, इन्वेस्टिंग में, और जो सीटी पे करना पड़ा वो फाइनेंसिंग में. क्योंकि जिस एक्टिविटी के ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है वो टैक्स उसी एक्टिविटी में दिखाया जाएगा आपके. ठीक है ना. देन अ सर्टेन पॉइंट की फाइनेंशियल एंटरप्राइज, वो वैसे बना हुआ था आपका फाइनेंशियल एंटरप्राइज में, ये चीजें आपके पास जो है ऑपरेटिंग है, सिंस दे आर मेन ऑप्शन कि शेयर डिवेंचर्स खरीदना बेचना और उनकी जो इनकम आ रही है, फिर वो इन्वेस्टिंग में नहीं जाता, फिर वो ऑपरेटिंग में आता है उनके में. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के इनफ्लो आ गए और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अगर, यहां पर पहला ट्रिगरिंग पॉइंट क्या होगा, इनफ्लो होगा क्या आउटफ्लो होगा, पहले आउटफ्लो होगा. पहले आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीदे होंगे, इन्वेस्टमेंट करी होगी, उनके खरीदने पे जो इनकम जनरेट करके दी उन्होंने, या उनको जो बेच के पैसा आया वो इनफ्लो हो गया. ठीक है ना. उस बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स पे जो इनकम जनरेट हुई या उनके बेचने पे जो पैसा आया वो मेरा उस एक्टिविटी का इनफ्लो हो गया. ये बात क्लियर है ना. पता सो यहां पे पहले आपने वो खरीदे चीजें और खरीदने से रिलेटेड भी जो खर्चे आपके पास हुए, लेट्स से मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी तो ब्रोकरेज दी डीलर को, वो किसमें आएगा, इन्वेस्टमेंट खरीदी और उसके ऊपर ब्रोकरेज पे करी तो वो इन्वेस्टिंग में आया. उसके खरीदने से रिलेटेड जो भी खर्चे, अब ये सिंपल सी बात है, मशीनरी खरीदी और इसका इंस्टॉलेशन का मशीनरी का खर्चा भी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर चली ना, तो वो भी तो किसमें आएगा आपका, इन्वेस्टिंग में आएगा. तो सिंपल सी बात होगी, फिक्स एसेट खरीदे, इन्वेस्टमेंट खरीदी, किसी को लोन एडवांस दिया या ब्रोकरेज पे करी ऑन दी परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट.
अब यहां पे इन्वेस्टमेंट कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, बट शॉर्ट टर्म में कौन सी नहीं लेनी जिनका मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने से कम है, क्योंकि वो तो इसमें आएगी नहीं, क्योंकि वो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही है, यहां पे उसके अलावा वाली आ रही होगी, वो वाले इनफ्लो फॉर इस अकाउंट में स्टेटमेंट में नहीं आते। देन इनको जो बेचा पैसा वो आपके पास आ गया, फिर आपके पास आ गया लास्ट कौन सा, अल्टीमेटली वो अकाउंट ही है बेटा, जो पहले दे रखा था टोटल उसी को मैंने 3 हिस्सों में बांटा, वो वैसे ही आपका रिपीट कर रहा हूं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो इसके इनफ्लो कौन कौन से, अब इसमें ट्रिगरिंग पॉइंट पहले क्या होगा, इनफ्लो क्या आउटफ्लो, पहले इनफ्लो होगा, पहले आपने पैसा इकट्ठा किया होगा या शेयर कैपिटल या ओनर फंड्स या आउटसाइडर फंड्स, ठीक है ना, या शेयर से जो किया, डिवेंचर या लोन उठाया कहीं से, और इनके पैसे को वापस किया या उसके ऊपर ब्याज या डिविडेंड दिया, तो वो इसी एक्टिविटी में आ जाएगा, और उससे जुड़ा हुआ भी जो टैक्स है वो भी किस में आ जाएगा, फाइनेंसिंग में। सो अल्टीमेटली उस एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी चीज आ रही है वो सारी उस एक्टिविटी में ही दिखाई जाएगी। सो हमने इशू किए शेयर फॉर कैश या प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर या लोन आपके पास आया, देन इनके बायबैक की बात आ गई, रिडम्पशन की बात आ गई, देन इंटरेस्ट पे किया, डिविडेंड पे किया, और डिविडेंड के साथ क्या आ गया साथ में सीईटी पे किया, और आपने ब्रोकरेज अंडरराइटिंग कमीशन पे करी इशू ऑफ शेयर डिवेंचर पे। अंडरराइटिंग कमीशन क्या होती है, जो हमने अपने पास रिस्क से बचने के लिए, तो हमने उसके लिए अंडरराइटिंग कमीशन अंडरराइटर्स को पे करी, तो वो किस एक्टिविटी में आएगा, फाइनेंसिंग में आएगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली शेयर्स इश्यू के रिस्पेक्ट का ही तो खर्चा है ना, तो वो इसी एक्टिविटी में कवर किया जाएगा। यहां तक आपको बात क्लियर होगा। नाउ सिर्फ अभी क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज को लेके, ये वाला हमने टेबल कर लिया था, ये हमने बात कर ली थी इंटरेस्ट डिविडेंड की, डिविडेंड पेड हमेशा कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड इन अ नॉर्मल सिनेरियो, इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला नॉर्मल सिनेरियो में कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग है, पर अगर मेरा काम ही इन्वेस्टमेंट करना तो ऑपरेटिंग, मेरा बिजनेस ही वही है तो ऑपरेटिंग है ना। ओके नाउ एक आपके पास उस चार्ट भी, एक आपके पास क्वेश्चन आ रहा है जहां पे एनएसटी का क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ जाता है, आप देखेंगे होमवर्क के क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने मैक्सिमम एक्टिविटी लेकर हमने सिर्फ ये बताना है बेटा कि ये एक्टिविटीज ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग है, या लेट्स से हो सकता है कैश इक्विवेलेंट आ रही हो, बेसिकली अगर वो बोल दे कि बैलेंस एट बैंक है या मार्केटेबल सिक्योरिटी है, फिर तो वो क्या ही होगी, कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट होगी ना। तो एक एक करके अपने पास हमने बाइफरकेट करना है, या ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, या आगे लिखते जाना जैसे भी आपके पास, ओ फॉर ऑपरेटिंग, आई फॉर इन्वेस्टिंग, एफ फॉर फाइनेंसिंग, वो वैसे करके लिख जाना। पहले वाला परचेज ऑफ मशीनरी कौन सा है, इन्वेस्टिंग, सो आपके पास सिंपली इन्वेस्टिंग आ गया, दैट इज आई। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, फाइनेंसिंग, आपने शेयर इश्यू करे तो आपके पास फाइनेंसिंग हो गया। कैश सेल्स ऑपरेटिंग, कैश सेल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग, फाइनेंसिंग, बोरिंग ली हमने तो फाइनेंसिंग हो गया। प्रोसीड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ऑपरेटिंग, अगले वाला सेम है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स अगेन ऑपरेटिंग, वो अल्टीमेटली सेम बात है, प्रोसीड्स बोल दो कैश, प्रोसीड्स में भी कैश एंड बैंक, कैश रिसीव्ड मतलब सिर्फ कैश ही आया, तो है तो वो क्या ऑपरेटिंग ही ना, डेटर से जो पैसा आया। ट्रेड कमीशन मिलना अगेन ऑपरेटिंग। इन्वेस्टमेंट्स खरीदी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग, अल्टीमेटली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है क्या, इन्वेस्टमेंट्स खरीदना, फिक्स एसेट खरीदना, तो इन्वेस्टिंग आ गया बेटा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फाइनेंसिंग। कैश परचेजेस, ऑपरेटिंग। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो, ठीक है ना। गुडविल परचेज करी, अच्छा मैंने बोला था परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट इज योर इन्वेस्टिंग, तो फिक्स एसेट तो कोई भी हो सकते हैं ना, फिक्स एसेट कैन बी आपका टेंजिबल और इनटेंजिबल, तो अगर गुडविल भी आपने खरीद तो किस में आएगा आपका, इन्वेस्टिंग में आएगा। हमने बोला कोई भी फिक्स एसेट, फिक्स एसेट कैन बी टेंजिबल या इनटेंजिबल, तो आपके पास ये आना किस में है, अंडर योर इन्वेस्टिंग, अंडर योर इन्वेस्टिंग। देन कैश पेड टू सप्लायर्स, ऑपरेटिंग, क्रेडिटर्स को पे करो। इंटरिम डिविडेंड पे किया इक्विटी शेयर्स पे, फाइनेंसिंग। वेजेस सर्विस पे करी, ऑपरेटिंग। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स, कौन सा, इन्वेस्टिंग। पेटेंट्स आपने बेचे तो आपके पास इन्वेस्टमेंट बेचे, आपके पास बेसिकली फिक्स एसेट को बेचना है, इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टिंग। पर अगर ये मेरा एक तरीके का स्टॉक होता, मेरा बिजनेस होता है करना, तो ऑपरेटिंग में जाता, ठीक है ना। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, फाइनेंसिंग। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस पेड, ऑपरेटिंग। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ऑपरेटिंग। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग। पर अगर शेयर्स खरीदना बेचना मेरा बिजनेस है तो ऑपरेटिंग में जाता। रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, अगेन इन्वेस्टिंग। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिस पेड, इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, फाइनेंसिंग। ऑलवेज क्या, चाहे फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस में आप लीजिए, इट इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अंडरराइटिंग कमीशन पेड, फाइनेंसिंग, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू दी फंड्स जो रेज करते, शेयर्स इशू क्या रहते हैं उस समय की अंडरराइटिंग कमीशन दी होगी। रेंट पेड, ऑपरेटिंग, किराए पे जगह ले रखे। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, हाँ जी, किसमें आएगा, इन्वेस्टिंग में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स के खरीदने से रिलेटेड खर्चा है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास, फाइनेंसिंग। मैंने आपको कहा था हम जो बैंक के अंदर है वो अदर देन ओवरड्राफ्ट लेके चलते हैं। बैंक ओडी आपका यहाँ पे जो अगर बाई चांस बोल रहे तो इट विल बी ट्रीटेड एज फाइनेंसिंग। अल्टीमेटली वो बैंक से पैसा उठाया था ना आपने, तो कैश क्रेडिट अगेन इज योर फाइनेंसिंग, बैंक से जो आपने फैसिलिटी ले रखी है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स आपकी, डिपॉजिट मतलब आपने पैसा लगाया कहीं पे। सो अगर हम यहाँ पे एक चीज को कंक्लूड करते हैं, अगर तो बेटा वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलेगा ना, शॉर्ट टर्म बिकॉज शॉर्ट टर्म इज अप टू 1 ईयर, पर हमारा कैश क्रेडिट में सिर्फ कौन सा है अप टू 3 मंथ्स। डाउट कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जब खरीदी तो उसे इन्वेस्टिंग मिलेगी कैश क्रेडिट माने, तो अपने पास आप लेके चल सकते हो, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, इन्वेस्टिंग में आ सकते हो कैश में। बट जनरली से कि अप टू 3 मंथ्स की प्रायोरिटी कम होगी ना, एक तरफ 3 महीने एक तरफ बाकी 9 महीने, तो जनरली से अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिख रहा है तो उसे इन्वेस्टिंग बोल देंगे, चाहे शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म। पर अगर वो स्पेसिफिकली लिखते अप टू 3 मंथ्स या लिखी हुए मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो क्या बोल देंगे, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट हो गया। अगर आपके पास लिखी दिया कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदी, मार्केटेबल तो होती कौन सी है जो 3 महीने से कम है, तो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होगी। पर अगर वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखता है उसके अंदर दोनों केस बन सकते हैं, क्योंकि अप टू 3 मंथ्स, 3 मंथ्स टू 12 मंथ्स, तो मैं आप किसी भी तरफ जा सकता हूं। हमारे लिए बेटर है कि आपको आगे कंफ्यूजन ही ना है, आप हमेशा उसे क्या लेके चलो, इन्वेस्टिंग लेके चलो। और नीचे बड़ा क्लियर लिख दो कि हम ये मान रहे हैं कि कैश इक्विवेलेंट नहीं है, मतलब इनकम मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने से ज्यादा, तो बात ही खत्म होगी। तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स के लिए मैं प्रेफरेबल क्या कर लेता हूं, इन्वेस्टिंग। ये मानते हुए कि इनकम मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने से ज्यादा, देखो क्योंकि 3 से 12 महीने फॉलो कर रहे हैं और एक 0 से 3 महीने फॉलो कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी भी देख लो तो किसकी ज्यादा पड़ेगी, 3 से 12 की ना। देर आर 9 मंथ्स वन साइड, देर इज अ 3 मंथ्स वन साइड, सो इट इज बेटर कि हम 9 मंथ्स वाले की तरफ अपने पास जा रहे हैं, तो वो आपके पास इसलिए बेटर कि हमने इन्वेस्टिंग मान ली। मार्केटेबल सिक्योरिटीज अगर लिख दे तो कैश इक्विवेलेंट मान, फिर तो आपके पास कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि वो तो मतलब ही इसका ही होता है, तो दैट इज कैश इक्विवेलेंट। और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीव्ड, इनकम टैक्स पेड कौन सा था, तो इनकम टैक्स का रिफंड आना भी क्या हो गया, ऑपरेटिंग। जो जिस एक्टिविटी में डल रहा है अगर उसी का पैसा वापस आया तो या गया, रिवर्स हो रहा है, तो वो उसी एक्टिविटी में दिखाया जाएगा ना आपके, तो उसमें तो कोई डाउट वाली आपके बात ही नहीं आएगी, अल्टीमेटली हम अपने पास चीज वही कर रहे। सो नाउ फाइनली इफ आई से हमारे पास जो हम करने जा रहे जी, हमने क्या बनानी है, स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट के कितने हिस्से आ गए हमारे पास, 3, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। इन तीनों को क्या वो बन जाता है, नेट इंक्रीज डिक्रीज जो भी आ रहा है, और फाइनली इसके अंदर ओपनिंग वाला हमने अपने पास डाला तो क्या बन गया, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये जो स्टेटमेंट फॉर्म में बन रहा है अभी, वैसे आपको मैंने टेबल में दिया था टी शेप में, यहां बेटा वही चीज स्टेटमेंट में आ गई। इफ यू विल सी, स्टेटमेंट का मतलब क्या, इनफ्लो सारे डाल दिए माइनस आउटफ्लो कर दिए, अल्टीमेटली वो वही चीज आ रही। तो जैसे ऑपरेटिंग का, इफ यू कम टू द ऑपरेटिंग, देन हम अपने पास इजी अब उसी चीज को हम अपने पास इन द सिस्टमेटिक फॉर्मेट करने जा रहे। अभी तक हम बात कर रहे थे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट, अब उसको मैं कन्वर्ट कर दिया स्टेटमेंट में, और स्टेटमेंट में 3 हिस्सों मार दिया, तो हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग। अब ऑपरेटिंग में टू स्टार्ट विद, कहते हैं ऑपरेटिंग के अंदर कहते हैं 2 मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट।
इनडायरेक्ट में हमारी चर्चा कल होगी, अभी हम सिर्फ डायरेक्ट की बात करने जा रहे हैं। डायरेक्ट का मतलब है वही चीज है जो आपकी नॉर्मल अकाउंट में आ रही थी, दैट इज कैश से डेटर से पैसा आना, आपका स्टेट कमीशन ऑर्डर। और पेमेंट्स क्या है, बिजनेस के सारे जो खर्चे पे करे, ठीक है, आपने क्रेडिटर्स को पे किया, आपने कैश परचेजेस करी या आपने इनकम टैक्स पे किया, ये सारे क्या होगी, पेमेंट्स होगी। तो इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज करूंगा तो क्या आ जाएगा नेट में, उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का या इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गई ऑपरेटिंग रिसीट्स इन कैश, जो ये तीन मैंने बताई अभी, और पेमेंट्स आ गई सारी जो पेमेंट्स आपने करी। फिर हम अपने पास क्या कर देते हैं, जो भी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस है उसको हम इनकम टैक्स को बेटा यहां पे सेपरेटली दिखा देते हैं। बस वो कहता है इन द स्टेटमेंट इनकम टैक्स आपका जितना भी है उसको क्या कर देना, सेपरेट आइटम अपने पास दिखा देना। नेट ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने इनकम टैक्स सरकार को इस साल पे करा 1,00,000 और आपको रिफंड आया 10,000, तो 90 दिखा दो। देखो नहीं तो आप 1,00,000 पेमेंट दिखाओगे, 10,000 रिसीट दिखाओगे, नेट में कितना दिखा दो, 90 आपने पे किया सरकार को, तो इनकम टैक्स पेड है। पर सीबीटी पेड फाइनेंसिंग नहीं जाएगा, ये इनकम टैक्स पेड अकेला वर्ड जो अगर लिखा होगा हमेशा कौन सा है, ऑपरेटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या, आई विल डिस्कशन में अपने पास कल आराम से करूंगा व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और आपके पास उसका रोल यहां पे क्या आएगा। अल्टीमेटली सारे इंक्रीज माइनस सारे डिक्रीज के तो क्या निकल के आ गया, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का नेट आपका चेंज हो गया जो ऑपरेटिंग का आया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, नेट कैश फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फ्रॉम का मतलब है अगर इनफ्लो इज मोर देन आउटफ्लो, यूज्ड इन का मतलब है आउटफ्लो इज मोर देन इनफ्लो, ठीक है ना, हमारा कितना पैसा लगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज पे इन्वेस्टिंग है, ये हमने अभी सारी चीज डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पता है इन्वेस्टिंग एक्टिव कौन से, सिर्फ मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे स्टेटमेंट में दिखाना, मैंने आपको फॉर्मेट सारे दिए जो है वो बस एक अकाउंट अगर क्लियर था तो सारी चीज हमारी क्लियर है। इनफ्लोज क्या आ गए, कहां कहां से पैसा आया, एसेट बेच के उनके ऊपर इंटरेस्ट इनकम आया। आउटफ्लो आ गए, दोनों से खरीदे। नॉर्मल सिनेरियो में इसके बैलेंस प्लस आना चाहिए कि माइनस, माइनस, बिकॉज अल्टीमेटली हम फिक्स एसेट्स और खरीद रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट और करी होंगी, ठीक है ना। तो या तो नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया या यूज इन आ गया, और फाइनली ऐसे कौन सा आ गया, फाइनेंसिंग। अगेन फाइनेंसिंग में भी इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब शेयर इशू करना, डिवेंचर इशू करना, लोन लेना, और आउटफ्लो मतलब इनका पैसा वापस करना या इनके ऊपर ब्याज या डिविडेंड देना, और फाइनली क्या आ जाएगा, फ्रॉम या फिर यूज इन। अल्टीमेटली नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी या नेट कैश यूज इन एक्टिविटी, जो भी चीजें इस एक्टिविटी से रिलेटेड आपके पास आ रही है। जैसे ही मैं अपने पास वो सारी चीजें दिखाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, याद है तीनों में ओपनिंग जैसे ही ऐड करा तो किसके बराबर हो जाएगा, क्लोजिंग। एंड दिस इज अवर अल्टीमेटली जो है चैप्टर के अंदर यही हमने बात करी है, इंडायरेक्ट मेथड हमारे पास, हम बात करेंगे आगे जाके अभी तो, बट हमारे पास मेन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आ रही है वो अल्टीमेटली हम यही करने जा रहे हैं। नाउ इसी से रिलेटेड जहां पे हमने सिर्फ अकाउंट को कन्वर्ट करना है, अकाउंट को कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट, उसी से रिलेटेड आपके पास है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे जरा, यहां पे क्वेश्चन पे आएंगे जरा, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अभी हमारा जो इनिशियल क्वेश्चन है बेटा इसमें क्या दे रहा है, वो अकाउंट दे रहा है, वो कैश अकाउंट दे रहा है और कह रहा है इससे स्टेटमेंट ना दो। द क्वेश्चन कैन नॉट बी इजियर देन दिस, द ओनली थिंग इज आपको क्या करना है, बाइफर्केट करना है एक्टिविटीज को, किसमें, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो जैसे ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम, मांग रहा ऑपरेटिंग है, पर मैं इस क्वेश्चन में हम अपने पास करने एक बार के लिए इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग भी दिखा देंगे। अगर आप देखोगे वो कैश अकाउंट दे रहा है इस ईयर का, डेबिट साइड पे रिसीट्स आ गई, क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स आ गई, यू जस्ट हैव टू सेग्रीगेट एंड टेल मी कौन सी ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है। ओपनिंग बैलेंस तो अलग से आ जाएगा, कैश सेल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड कमीशन, ये कौन सी होगी, ये तीनों होगी ऑपरेटिंग। इन्वेस्टमेंट बेची, इन्वेस्टिंग। बैंक से लोन लिया, फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट एंड मिला, किस पे मिला होगा, इन्वेस्टमेंट पे मिला होगा, तो वो किसमें आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा बेटा, ठीक है ना। वी आर जस्ट सेग्रीगेटिंग द एक्टिविटीज एंड देन वी विल मेक अ स्टेटमेंट। पेमेंट साइड पे कैश परचेजेस, कैश परचेज किसमें, ट्रेड पेबल्स, ऑफिस सेलिंग एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स, ऑपरेटिंग। तो ये सारी होगी ऑपरेटिंग जी। इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टिंग हो गया। लोन रीपे किया और इंटरेस्ट लोन पे किया, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया, कम सही, फाइनेंसिंग। तो आपके पास ये फाइनली आपके पास चीजें किसकी बन गई, जो हमारे पास ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग है, बाकी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है।
इसको किसमें कन्वर्ट कर देना अपने स्टेटमेंट में। सो हमारे पास ऊपर हेडिंग आ जानी है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। नो वाइल वी मेक दिस स्टेटमेंट, अपने पास यहां पे तीन कॉलम बना के अमाउंट के दो बन जाते हैं एक पर्टिकुलर स्क्वायर में। वो अमाउंट के दो का समझ आ जाएगा, होगा क्या, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का जब तक इंक्रीज डिक्रीज है वो एक कॉलम में आ जाता है, उस एक्टिविटी का नेट जो है वो आउटर कॉलम में रह जाता है। वो हमारे लिए फिर क्या होता है कि स्टेटमेंट आपकी बेटर प्रेजेंटेशन दिखती है उसकी। सो सबसे पहले जैसे आपके पास आ गया इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हम अभी मैं पूरे पूरे नाम आपको लिखाने शुरू कर दूंगा, अभी स्टार्टिंग है, मेरे को सिर्फ एक्टिविटीज को क्लासिफाई करना इस मेन पर्पस है। तो इसलिए हमने अपने पास हेडिंग लिख दी सबसे पहले क्या, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में हमारे पास अब कौन कौन से आइटम्स है, पहले इनफ्लो सारे डाल दो फिर आउटफ्लो डाल देंगे। तो इनफ्लो में क्या क्या था, कैश सेल्स विच इज कितना 140, देन ट्रेड रिसीवेबल से जो पैसा है 175, देन ट्रेड कमीशन जो मिली 50,000, ये रिसीट्स आ गई इनफ्लोस। अब इसमें से क्या माइनस कर देने, आउटफ्लोस। तो कैश परचेजेस 120 माइनस ट्रेड पेबल्स को पे किया 150, 7 माइनस देन ऑफिस इन सेलिंग एक्सपेंसेस पे करे 75,000। एज पर दी फॉर्मेट ओनली जैसे भी है, इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि हम पहले अपने पास निकाले और फिर टैक्स को अलग दिखाए। अब ऐसे दिखा दो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्राइमरली आपके पास बेटर है कि पहले दिखा के फिर टैक्स पेड अलग से माइनस कर दो। तो एक बार ये वैल्यू बता देंगे कितनी है, हाँ जी 13,000, ये वैल्यू चेक करके बता देंगे मुझे कितना है 13,000, और माइनस दिखा देंगे इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड को प्रेफरेबली आपका बोलते है तो वो ऑपरेटिंग है, वो चाहे ऊपर दिखा दो उसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर वो नेट फिगर ही आ जाएगी। हम वो अपने पास अलग से निकाल के दिखा रहे, तो आपके पास फाइनली कितना बन गया, हाँ जी फाइनली कितना आ गया 17,000 नेगेटिव। ये मैंने आउटर कॉलम में दिखा दिया, ये फैक्टरी क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरा कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। वो एक अगर प्लस आ रहा तो फ्रॉम है, नेगेटिव आ रहा तो यूज इन है, ठीक है ना। देन अभी के लिए हमारे पास, मैं सिर्फ तभी कह रहा हूं, अभी मैं प्रॉपर वर्डिंग्स नहीं लिखा रहा, अभी हम सिर्फ क्या समझ रहे हैं अपने पास कि वो प्रेजेंट आपके पास इन द फॉर्म कैसे हम दिखा रहे हैं बाइफरकेटेड करके होते। देन आपके पास नेक्स्ट आ गया कौन सा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बाकी चीजें आ गया, दैट इज पैसा कौन सा है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, विच इज 30,000। देन आपने परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,000, और भी कुछ, हाँ जी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो आपको रिसीव हुआ, ये कितना है 1,000। तो फाइनली कितना बन गया 6,000, और लास्ट आ गया आपके पास थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या है, लोन फ्रॉम बैंक, सो बैंक से जो लोन लिया दैट इज हाउ मच 1,00,000। पेमेंट्स क्या क्या है, रीपेमेंट ऑफ लोन 75,000, और एक क्या पे करा
इंटरेस्ट ऑन दैट इज 10,000। हाँ जी, तो कितना बन गया पहले 15,000 प्लस इन तीनों एक्टिविटीज का नेट चेंज निकाल लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते थे, नेट प्लस आ रहा कि माइनस आ रहा, प्लस, तो इसे हम बोलते थे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। भाई इस पूरे साल में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नेट क्या आया, भाई बढ़े कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कम हुए, मतलब नेट चेंज, तो ये 4,000 प्लस आ रहा है, और इसके अंदर जैसी ओपनिंग ऐड करूंगा तो कैश के बराबर आ जाएगा क्लोजिंग के, तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट वाज 1,00,000, तो इट विल मैच विद योर क्लोजिंग। तो इफ यू विल सी अल्टीमेटली हमने किया कुछ नहीं, उस अकाउंट को स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पहुंचना हमने पास हर बार यहीं तक है, वी हैव कन्वर्टेड द अकाउंट टू दी स्टेटमेंट, वही हमने यहां पे किया, तीनों एक्टिविटीज का निकाला, उनको ऐड कर लिया, और ओपनिंग ऐड करेंगे तो किसके बाद बन जाएगा हमेशा क्लोजिंग, वो हमेशा आपके लिए टैली करना तो हमेशा यहाँ पे आसानी रहना, वो कहीं ना कहीं आपका टैली तो हमेशा रहेगा, बजाय सही क्लासिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी, क्योंकि अगर एक आइटम को किसी गलत एक्टिविटी में डाल दिया तो दोनों एक्टिविटीज का टोटल गलत हो गया, दोनों एक्टिविटीज का टोटल गलत हो जाएगा ना आपके पास, तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि एक्टिविटी क्लासिफिकेशन इज आपके पास जो है ध्यान रखने वाला, ठीक है, ये हो गया सबका, हो गया देने की इससे अगले पे आएंगे, लास्ट है छोटा है, देखो इसी टाइप का होगा क्या, मेरी बात सुनो, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हमारे पास चीज कवर हो जाएगी, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद समथिंग न्यू टुमारो, बात समझो जरा, छोटा है अच्छा, छोटा है सर, अच्छा इफ यू विल कोऑपरेट ओनली आपके पास टाइम जो है बहुत कम लगने वाला, वैसे और एक्स्ट्रा चीजें नहीं कराऊंगा, पर ये क्वेश्चन तो आपके पास होगा ही होगा, नहीं तो हमारे पास और भी पॉइंट्स हम डिस्कस करते, तो चलो यहाँ तक तो करेंगे करेंगे, आई नो आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप मना नहीं करोगे मेरी बात को, आ जाओ कोई ना। हाँ जी, क्वेश्चन कह रहे हैं द फॉलोइंग समरी कैश अकाउंट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंपनीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड, समरी ऑफ कैश अकाउंट दे रहा है, जिसमें यहाँ पे वो खुद ही स्टेटमेंट फॉर्म में दे रहा है पर कंबाइंड में दे रहा है, मुझे उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बाइफर्केट करना है, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आ गया 35,000 है, देन पैसा कहां कहां से है, कस्टमर से जो पैसा है कौन सी बुक में आएगा, ऑपरेटिंग, इश्यू ऑफ शेयर्स और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टिंग, फिर पेमेंट है, तो पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट फॉर फिक्स्ड एसेट्स, पेमेंट फॉर ओवरहेड, वेजी सैलरीज, टैक्सेशन, डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, फाइनेंसिंग, 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस दिया, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके पास जो है वो अपने पास 31 मार्च 20 कर लेना, लास्ट में आपका जो ईयर एंड है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 20 इन अकॉर्डिंग विद AS3, कोई कैश इक्विवेलेंट नहीं है वो, उसको लिखने की एज सच कोई जरूरत भी नहीं थी अल्टीमेटली, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कैश अकाउंट दे रहा था ना ऊपर, इट इज योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट, सो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमने यहां पे इसको सॉल्व करना, सो दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट हाँ जी, फिगर्स जो आपके पास है वो इन थाउजेंड है, सबसे पहले आपके पास आ गई कैश फ्लो फ्रॉम बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नाउ इसमें सबसे पहले कौन सा एक्टिविटी आएगी, रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स विच इज 2783, ठीक है जी। अब हमने पेमेंट्स किस किस को करी, पेमेंट टू जो आउटफ्लो है, टू जीरो फोर सेवन, देन पेमेंट फॉर ओवरहेड्स, ये ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, वो बिल्कुल बोनस है, पेमेंट फॉर ओवरहेड्स, देन वेजेस एंड सैलरी 69,
प्रेफरेबल है टैक्स को अलग ही दिखाए तो अपने पास पहले वैल्यू निकाल लो फिर टैक्स पेड अलग से दिखा दो। तो पहले वैल्यू निकाल लो कितना 552 और माइनस टैक्स पेड कितना दिया 243309। वर्ड में धीरे धीरे आपके दिमाग में डालता रहूंगा, वो आपके पास की फॉर्मेट वेज है। अब जैसे 552 को हम वैसे बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको क्या बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। भाई ऑपरेशंस ने कितना कैश जनरेट करके दिया बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स भी तो यहीं से माइनस होना है वैसे तो इसको हम बोलते थे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। टैक्स पे किया तो फाइनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वैल्यू आ गई कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फाइनली कितना आपके पास आ रहा है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट आने की बात आएगी इन्वेस्टिंग, तो इन्वेस्टिंग में सबसे पहले आया सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट दैट इज 128, देन पेमेंट फॉर फिक्स्ड एसेट जो खरीदे हमने ये कितना अमाउंट है 230 और भी है नहीं जी, तो नेट क्या आ गया 102 नेगेटिव, तो नेट इज नेट कैश यूज इन आपके पास इन्वेस्टिंग और फाइनली आ गया 120। इसमें क्या क्या आ रहा है इश्यू ऑफ शेयर्स 300, देन पेमेंट्स में क्या क्या है एक है जी डिविडेंड पेड 80, एक है बैंक लोन रीपेमेंट दैट इज 250। हाँ जी, तो नेट क्या हो गया नेगेटिव 30, तो फाइनली आ गया नेट इंक्रीज और डिक्रीज, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 177। इसके अंदर जैसे ही ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कैश बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज कितना अमाउंट 35, तो वो टैली कर जाएगा 212 दैट इज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो इजी सा आपके पास चैप्टर है, करने कुछ नहीं अकाउंट ही बनाने हमने, आपके पास अकाउंट से स्टेटमेंट यहाँ पे बनती जा रही है। ये हो गया सबका। अच्छा आज अभी हैं, हाँ हाँ इसके तो क्वेश्चन आप खुद देखोगे पेपर में कितना आसान आसान से आएगा, यू विल बी एबल टू डू वेरी इजीली। सुन लो सुन लो सुन लो, रोला थोड़ा कम पाओ, आज मत रोको मुझे। अच्छा छोटे छोटे क्वेश्चन है, मेरी बात जरा ध्यान सुन लो, यू विल बी एबल टू डू वेरी इजीली। देखो बनते ज्यादा है पर फिर भी मैं अपने मन को मार कर ऑपरेटिंग है कि इन्वेस्टिंग है, वो कई बार पेपर में आए होते 6-7 एक्टिविटीज दे रखी है ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग बनेंगे। अगले 3 क्वेश्चन ऐसे है, यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दीज क्वेश्चन, इजिली हो जाएंगे, पर करके जरूर आना। चलो बाय बाय।